जिसमें उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर फिल्म ट्रिपल आर को लेकर, जिसने कि दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। इवन आपको पता ही है, बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिए इस फिल्म ने एक ही दिन के अंदर अंदर। जो कलेक्शन इतने दिनों से सजो के रखा था बाहुबली 2 ने अपने नाम किया हुआ था, वो रिकॉर्ड आज टूट चुका है। ट्रिपल आर ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब ऐसे में बात करें फिल्म के 2 दिनों के कलेक्शन को लेकर, कि फिल्म जो ट्रिपल आर मूवी है कितना कलेक्शन कर चुकी है और उसकी क्या खासियत है। वेल, आपको पता है ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है, रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। इस फिल्म में आपको लीडिंग में नजर आएंगे कुमार राव, भीम और रामचरण। अगर इसमें बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर, तो आपको यकीन नहीं होगा फिल्म के सेकंड डे भी काफ़ी अच्छा होल्ड बना हुआ है और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन एडवांस बुकिंग से ही कलेक्शन कर लिया था तकरीबन 60 करोड़ रुपये का, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छी ओपनिंग है। तो बस जानेंगे कि फिल्म क्या दूसरे दिन भी बाहुबली से हार रही है या फिर बाहुबली के रिकॉर्ड को एक बार फिर से चकनाचूर कर रही है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। वेल, आपको पता है ट्रिपल आर जिसका पहले दिन का कलेक्शन आया 223 करोड़ रुपये, तो वहीं पर बाहुबली ने अपने पहले दिन कमाए थे महज ज़्यादा से ज़्यादा 208 करोड़ रुपये, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर आपको बता दूँ ट्रिपल आर जिसे कि डायरेक्शन दिया है सेम डायरेक्टर एस एस राजामौली ने, जिसने कि डायरेक्शन दी थी बाहुबली 2 को। वहीं वैसे हम बात करें बजट को लेकर, तो इस फिल्म का बजट काफ़ी हाई है बाहुबली के कंपैरिजन में, ट्रिपल आर का 450 करोड़ रुपये। अब बात करती है फिल्म के सेकंड डे कलेक्शन को लेकर, तो इस फिल्म ने सेकंड डे भी काफ़ी अच्छा होल्ड बनाए हुए है, जहां पर बाहुबली 2 ने अपने दूसरे दिन कलेक्शन किया था इंडिया नेट से 90 करोड़ रुपये का, तो वहीं पर ये फिल्म आज 110 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर रही है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। और वहीं आपको बता दूँ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म ओवरसीज मार्केट में भी 40 से 45 लाख का कलेक्शन कर रही है, बोले तो 40 से 45 करोड़ का। डेट मीन्स इसका जो कलेक्शन आ रहा है दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से, वो तकरीबन 160 से 170 करोड़ के आसपास माना जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये फिल्म 2 दिनों के अंदर अंदर 400 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। यानी कि इस फिल्म ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 2 दिनों के अंदर अंदर अपना 80% जो बजट है वो रिकवर कर लिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तीसरे दिन ये फिल्म हिट हो चुकी होगी और कल संडे है, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म 200 करोड़ पार करेगी कल भी, जहाँ पर इसका 3 दिनों का कलेक्शन हो चुका होगा 600 करोड़ रुपये, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है ये फिल्म पहले ही वीकेंड के अंदर 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए। आपकी ओपिनियन क्या है ट्रिपल आर को लेकर, आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो को पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना अगर आपसे हो सके तो।